तो गाइज़ अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपने फाइल मैनेजर को खोला हुआ है, और जैसे ही मैं यहाँ पे बैक बटन को लॉन्ग प्रेस करता हूँ, लॉन्ग प्रेस करने के बाद मैं आप लोग देखोगे कि नीचे मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को पिन कर लेता हूँ, और ऊपर मेरा चल रहा है फाइल मैनेजर और नीचे मैं क्रोम ब्राउज़र को आसानी से चला सकता हूँ। यानी मैंने अपने एक ही मोबाइल की स्क्रीन में दो स्क्रीन को एक साथ चला दिया है। अगर आप लोग भी इस तरीके से चलाना चाहते हो अपने फ़ोन में तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है शिवम खेवरियान, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल वेमो पर। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग अपने फ़ोन की स्क्रीन में दो स्क्रीन को एक साथ चला सकते हो। फिर चाहे आप लोगों का फ़ोन किसी भी कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का आपका डिवाइस हो, आप लोग अपने फ़ोन में आसानी से दो स्क्रीन को एक साथ चला सकते हो। तो चलिए गाइस, सीधा आपको बताते कि आपको करना क्या है। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से हमेशा रहती है कि नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को दिख रहा है उसको दबा दीजिए, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, नई नई वीडियोस लाते हैं, नई नई एप्लीकेशन आप लोगों के लिए लाते हैं, तो प्लीज़ बस एक छोटा सा सब्सक्राइब जो नीचे बटन है उसको दबा दीजिए, और जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी जो नई नई वीडियोस होंगी इस तरह की या फिर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस होंगी वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर आएंगी। तो कंजूसी मत करिए गाइज, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए। तो चलिए अभी आपको बता दें कि करना क्या है। गाइज, उस एप्लीकेशन का नाम मैं बता देता हूँ, उस एप्लीकेशन का नाम है स्प्लिट स्क्रीन। इसकी आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है, फिर आपका फ़ोन चाहे किसी भी कंपनी का हो, वो इस एप्लीकेशन ये जो एप्लीकेशन है वो हर एक फोन में वर्क करती है। तो ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप लोग उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। मैं सिंपल सा एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को नजर आएगा। अब यहां पे करना क्या है, यहां पे आपको एक यहां पे एक्टिवेट का एक ऑप्शन मिल रहा है ये वाला, तो सिंपल सा इस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे फिर यहां पे आगे ओके कर देना है। जैसे आप लोग प्रोसीड करोगे आगे तो यहां पे सबसे नीचे दिख रहा होगा डाउनलोड सर्विसेज, यस डाउनलोडेड सर्विसेज, इस पे क्लिक करोगे देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्प्लिट स्क्रीन सेकंड वाला ऑप्शन। देन इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी जो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर में, इसको ऑन कर देना है। और जो आपको वार्निंग दिखाई जा रही है इसको इग्नोर करते हुए यहाँ पे जो नीचे में एक राइट का बटन है उस पे क्लिक करके नीचे जो ओके का बटन है ओके पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग स्प्लिट स्क्रीन को कैसे एक्टिवेट करोगे, यानी इसको कैसे चलाओगे। तो गाइज, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है ट्रिगर्स लिखा हुआ आ रहा है नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है लॉन्ग प्रेस ऑन, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको तीन बटन दिए जाते हैं जो कि नीचे में आपको मिल जाएंगे, यानी कि बैक बटन, होम बटन एंड मेन्यू बटन। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो बैक वाला बटन है ना इसको आप लोगों को ऑन कर देना है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप लोग बैक वाले बटन को प्रेस करोगे तो आपकी स्प्लिट स्क्रीन ऐसे एक्टिवेट हो जाएगी, यानी आपको बैक बटन को प्रेस करना है ना आपकी स्क्रीन एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो देख ही सकते हो ऊपर तो वो एप्लीकेशन चल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो नीचे यहाँ पे फाइल मैनेजर मैंने खोल लिया है। इस तरीके से आप लोग दो स्क्रीन को एक साथ चला सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि दो से ज़्यादा स्क्रीन को एक साथ चलाना, यानी 20 से 30 स्क्रीन को आप लोग एक साथ चलाना चाहते हो अपने फ़ोन पे, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो आई बटन पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। और प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।